हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं उज्जवल सक्सेना और मेरे साथ बैठे हैं निशांत सर। तो सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सभी को। हाय एवरीवन, मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं आज न्यू निशान गाजियाबाद में वर्किंग हूं और मेरे साथ हैं आज उज्जवल जी आए हैं न्यू निशान में। हमारी दो नई गाड़ियों की एक्सेसरी के बारे में वो आपको बताएंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट इंप्रेशन तो दोनों कार्स का दे दिया था अपनी पहली वीडियो में, तो इस वीडियो में आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप डैटसन गो और गो प्लस की एक्सेसरीज की वीडियो भी देखना चाहते थे, कौन कौन सी एक्सेसरीज आप लगवा सकते हैं। वैसे तो अभी लिमिटेड एक्सेसरीज आई हैं, मगर जैसे ही सारी आएंगी तो एक सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। तो इस फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिकली जो जनरल एक्सेसरीज आप फिट ऑन करा सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा, और क्या क्या एक्सेसरीज कितने की प्राइस रेंज है तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और इस बेल आइकन को दबाने में भी बिल्कुल ना शर्माएं, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डैटसन की रिसेंटली लॉन्च्ड गो और गो प्लस फेसलिफ्ट की एक्सेसरीज के बारे में, जो आप किसी भी वेरियंट में लगवा सकते हैं, और उन एक्सेसरीज की क्या क्या प्राइस रेंज है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो मेरी रिसेंटली अपलोडेड फर्स्ट इम्प्रेशन वाली वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप गो और गो प्लस फेसलिफ्ट की एक्सेसरीज की वीडियो भी देखना चाहते हैं, तो हाजिर है आपके सामने दोनों ही कार्ड्स की एक्सेसरीज की वीडियो। तो जैसा कि हमें पता है कि ये रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, तो प्रेजेंटली इसलिए कुछ बेसिक ही एक्सेसरीज आई हैं डीलर्स पे। तो इस वीडियो में जो आप गो और गो प्लस देख रहे हैं उसमें न्यू निशान गाजियाबाद ने कुछ बेसिक एक्सेसरीज जो आ गई थी डीलरशिप पे उनको फिट ऑन कर रखा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सेसरीज लगने के बाद कार आपको कैसी लगेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या एक्सेसरीज लगवा सकते हैं। तो प्रेजेंटली तो कोई एक्सेसरी नहीं आई है, बट उम्मीद है कि डे टाइम रनिंग लाइट्स यानी कि DRLs अवेलेबल हो जाएंगी एज एन एक्सेसरी। तो अगर आप सेकंड पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की एक्सेसरीज के बारे में। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं डोर वाइजर्स, जो आप किसी भी वेरिएंट में लगवा सकते हैं। डोर वाइजर्स आपको पता है कि बारिश में पानी को अंदर नहीं आने देते और आप विंडोज डाउन करके वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हैं गो के ऑल ब्लैक डोर वाइजर्स, ये आप लगवा सकते हैं 1395 रुपीज़ पे करके। टोटल 4 पीसीस का सेट आएगा। और नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं रूफ रेल्स, तो ये आप गो फेसलिफ्ट पे रूफ रेल्स लगवा सकते हैं। इनका प्राइस है 3150 रुपीज़, मगर ये सिर्फ लुक को इन्हेंस करने के लिए लगवा सकते हैं, कोई ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते इनकी सपोर्ट लेकर। तो ये डुअल टोन फिनिशिंग में मिल जाएंगे आपको रूफ रेल्स। नेक्स्ट आप साइड प्रोफाइल में लुक को इन्हेंस करने के लिए डोर हैंडल्स पे क्रोम की गार्निशिंग लगवा सकते हैं, जिनका प्राइस है 600 रुपीज़, तो कुछ इस तरह का लुक आएगा डोर्स का। और आप अपनी कार की साइड प्रोफाइल को माइनर स्क्रैचेस वगैरह से बचाने के लिए डोर साइड मोल्डिंग भी लगवा सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं गो फेसलिफ्ट में ऑल ब्लैक साइड मोल्डिंग इंस्टॉल्ड है, ये आप किसी भी वेरिएंट में लगवा सकते हैं और इनका प्राइस है 1100 रुपीज। तो ये तो बात हुई साइड प्रोफाइल की एक्सेसरीज के बारे में। रियर प्रोफाइल में आप ये देख सकते हैं रियर स्पॉइलर, तो कुछ इस तरह का लुक आएगा रियर स्पॉइलर लगने के बाद, ये भी आप किसी भी वेरिएंट में लगवा सकते हैं 5500 रुपीज पे करके। तो ये बॉडी कलर रियर स्पॉइलर मिल जाएगा आपको एज एन एक्सेसरी। नेक्स्ट एक्सेसरी के बारे में बात करूं जो आप रियर प्रोफाइल में लगवा सकते हैं, तो वो है बूट गेट पे क्रोम की गार्निशिंग। प्राइस के बारे में बात करूं तो इसका प्राइस है 1000 रुपीस, तो रियर प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरह का आएगा क्रोम गार्निशिंग लगने के बाद। तो ये तो बात हुई एक्सटर्नल एक्सेसरीज के बारे में। चलिए आप देख लेते हैं कि इंटीरियर्स के लिए क्या क्या एक्सेसरीज आ गई हैं गो फेसलिफ्ट की। तो सबसे पहले तो इंटीरियर्स में स्कफ प्लेट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कार में एंट्री एग्जिट करते टाइम जब बॉडी में माइनर स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस होते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये आप स्कफ प्लेट्स लगवा सकते हैं। तो ये डैटसन गो की इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, टोटल 4 पीसेस का सेट आएगा, दो फ्रंट में और यहाँ पे एक छोटी सी स्कफ प्लेट मिल जाएगी रियर पैसेंजर कैबिन में भी। पूरे सेट का प्राइस है 2200 रुपीस। नेक्स्ट आप फ्लोर को डस्ट एंड डर्ट से बचाने के लिए
फ्लोर मैट्स ले सकते हैं। वैसे तो हमने देखा है काफ़ी चॉइसेस आती हैं, तो प्रेजेंटली बीच कलर्ड के आए हुए हैं, तो इनका प्राइस है 1200 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सेसरी के बारे में बात करूं तो ये आप देख रहे हैं एम्बियंट लाइटिंग जो इंस्टॉल्ड है गो में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लाइट और ये है कंट्रोलर जिससे आप एम्बियंट लाइट्स को ऑन या ऑफ और कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी ऑन किया तो आप ये देख सकते हैं रेड कलर की लाइट ऑन हो गई है, तो कुछ इस तरह का लुक आएगा। और इसी कंट्रोलर में आपको बटन्स मिल जाएंगे कलर चेंज करने के लिए, तो मैंने जैसे ग्रीन बटन दबाया तो अब ग्रीन कलर की लाइट मिल जाएगी आपको। चलिए अब एम्बियंट लाइट को ऑफ कर लेते हैं। प्राइस के बारे में बात करूं तो मूड लाइट या एम्बियंट लाइट का प्राइस है 4400 रुपीज़। तो प्रेजेंटली तो आप ये टॉप मॉडल देख रहे हैं डेटसन गो फेसलिफ्ट का, जिसमें हमें मिलता है न्यू फर्स्ट इन सेगमेंट 7 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। लेकिन अगर आप डेटसन गो फेसलिफ्ट का लोअर वेरिएंट लेते हैं तो उसमें भी आप ये सेम टॉप मॉडल वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा सकते हैं, एज एन एक्सेसरी अवेलेबल है जिसका प्राइस है 28,000 रुपीज़। फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये सिस्टम सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, तो जैसे ही आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाएंगे। नेविगेशन भी कर सकते हैं आप एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू, तो यहाँ पर आपको नेविगेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे ही डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये तो बात हुई एंड्रॉयड ऑटो की। नेक्स्ट आप अपने फ़ोन को एक्सेस कर पाएंगे तो और फ़ोन भी मिला पाएंगे अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन से ही, तो आप किसी को कॉल मिला सकते हैं। ये डायल पैड आ जाएगा, सारे कॉन्टैक्ट्स कॉल हिस्ट्री सब इसी में सिस्टम में डिस्प्ले हो जाएगा। तो पूरी फ़ोन कॉल की हिस्ट्री आ जाएगी सिस्टम पे और इस तरह से आप कॉल मिला सकते हैं किसी को भी। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो आप इसको वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो ओके गूगल का यूज़ करके आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिस्टम ऑक्स ब्लूटूथ और यूएसबी को भी सपोर्ट करता है। नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑक्स और यूएसबी पोर्ट्स। तो अगर आप सेम सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 28,000 रुपीज़ स्पेंड करने होंगे। चलिए अब बाहर निकलते हैं फ्रंट कैबिन से, तो एक बार मैं आपको एम्बियंट लाइटिंग दिखाता हूँ कैसी लगती है लाइट्स ऑफ करके। तो ब्लू कलर की मूड लाइट्स ऑन है अभी। तो ये थी कुछ बेसिक एक्सेसरीज डेटसन गो फेसलिफ्ट की जो डीलरशिप्स पर प्रेजेंटली आ गई हैं। तो ये है डेटसन गो फेसलिफ्ट। नेक्स्ट चलिए अब बात कर लेते हैं डेटसन गो प्लस फेसलिफ्ट की एक्सेसरीज के बारे में। तो यह है डेटसन गो प्लस, जिसमें भी नियो निसान ने कुछ एक्सेसरीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी हैं कार में। फ्रंट प्रोफाइल में अभी एज सच कोई एक्सेसरी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की एक्सेसरीज के बारे में। तो यहाँ भी आपको 4 पीसेस का सेट मिल जाएगा डोर वाइजर्स का, जिनका प्राइस है 1,395 रुपीज़। बारिश के पानी को अंदर नहीं आने देता और हम वेदर एंजॉय कर सकते हैं, तो ये बेसिक एक्सेसरी है जो आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर भी रूफ रेल्स लगवा सकते हैं, ड्यूअल टोन फिनिशिंग में आते हैं रूफ रेल्स, जिनका प्राइस है 3,990 रुपीज़। तो ये भी आप अपनी साइड प्रोफाइल की लुक को इन्हेंस करने के लिए लगवा सकते हैं। नेक्स्ट आप कार की साइड प्रोफाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रैचेस वगैरह से बॉडी साइड मोल्डिंग लगवा सकते हैं, जिनका प्राइस है 1,100 रुपीज़। टोटल 4 पीसेस का सेट आएगा, चारों डोर्स पे फिट ऑन हो जाएगा। और आप डोर हैंडल के लिए भी क्रोम की गार्निशिंग ले सकते हैं जैसा कि मैंने आपको गो में दिखाया था। प्राइस सेम है जो मैंने डेटसन गो में बताया, 600 रुपीज़। तो ये तो बात हुई साइड प्रोफाइल की एक्सेसरीज के बारे में। चलिए अब आपको रियर प्रोफाइल की दिखाता हूँ एक बार एक्सेसरीज। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा रियर स्पॉइलर, जो आप अपनी कार को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए लगवा सकते हैं, जिसका प्राइस है 5,500 रुपीज़। तो ये रियर स्पॉइलर इंस्टॉल्ड है डेटसन गो प्लस फेसलिफ्ट में बॉडी कलर्ड। और अगर आप अपनी कार को ओपन एरिया में पार्क करते हैं तो डस्ट एंड डर्ट से प्रोटेक्शन के लिए कार बॉडी कवर ले सकते हैं। दोनों ही कार्स के लिए बॉडी कवर आते हैं जेन्युइन एक्सेसरीज में, जिनका प्राइस है 1,200 रुपीज़। तो ये आप देख रहे हैं सिल्वर कलर्ड बॉडी कवर, जिससे आप अपनी कार को कवर करके रख सकते हैं।
अगर ओपन में पार्क करते हैं तो। नेक्स्ट एक्सेसरी की बात करें तो वो रियर बूट पे क्रोम की गार्निशिंग लगवा सकते हैं आप अपनी कार की रियर प्रोफाइल की लुक को इन्हेंस करने के लिए, जिसका प्राइस है 1000 रुपीज। तो चलिए अब आपको दिखाता हूं मैं गो प्लस फेसलिफ्ट में इंटीरियर्स में क्या क्या एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड हैं। वैसे आपने सभी एक्सेसरीज जो मैंने गो में दिखाई, सेम प्राइस में आप गो प्लस फेसलिफ्ट में भी एक्सेसरीज लगवा सकते हैं, चाहे वो मूड लाइटिंग हो, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम हो या फिर कारपेट फ्लोर मैट्स। तो वहां पर तो मैंने आपको दिखाए थे बीच कलर्ड के कारपेट फ्लोर मैट्स, तो प्रेजेंटली आप देख रहे हैं ब्लैक कलर्ड कारपेट फ्लोर मैट्स, इनका प्राइस है 1200 रुपीज। तो ये तो बात हुई दोनों ही कार्स की एक्सेसरीज की, जो आप किसी भी वेरिएंट में लगवा सकते हैं। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ बेसिक एक्सेसरीज के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो वहां से भी खरीद सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या फिर आप दोनों कार्स की एक्सेसरीज खरीदना चाहते हैं या उनकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेना चाहते हैं तो निशान जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है, आपने उज्जवल जी बता रहे हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, आप मुझे कभी भी आवर्स में कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, आप कॉल कर सकते हैं और टेस्ट ड्राइव कार्स की ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने में बिल्कुल ना शर्माए, ये आप ही की सेफ्टी के लिए है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken.